आइए समझते हैं हम अपना कोई मकान किराए पर कैसे दे सकते हैं। अभी हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, रिहायशी मकान की बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अलग होती है, इसके लिए उसके उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। मकान किराए पर देने के लिए छोटी छोटी दो चार पांच बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपका मकान आपकी प्रॉपर्टी किसी कानूनी अड़चन में ना पड़े। सबसे पहले मकान कौन किराए पर ले रहा है उसकी पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए, वो कौन है, क्या है, उसका आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट हो, कोई उसका वोटर आई कार्ड हो, वो आपसे आपको उससे ले लेना चाहिए। वो क्या काम करता है इसकी भी जानकारी ले लेनी चाहिए, अगर हो सके तो जहाँ काम करता है वहाँ भी एक बार जाकर देख लीजिए। ऑनलाइन अगर किराएदार आया है तो आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। अगर सामाजिक कनेक्शन से, सामाजिक रूप से कोई आया है किराएदार, तो उसके बारे में आप उससे थोड़ी पूछताछ ज़्यादा कर लेंगे तो आप अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। सबसे पहले मकान का पता, कितना एरिया आप दे रहे हैं वो साफ साफ लिखा जाना चाहिए। कोई बालकनी दे रहे हैं, कॉरिडोर दे रहे हैं, कॉमन एरिया कौन सा दे रहे हैं, छत दे रहे हैं, टेरेस दे रहे हैं और पार्किंग दे रहे हैं, वो सारा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। एरिया कितना दे रहे हैं स्क्वायर फिट में, स्क्वायर मीटर में, वो सारा स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। कितना बिल्ट अप एरिया है, कितने कमरे हैं, कितने WC हैं, कितने बाथरूम हैं, वो सब लिखा जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ शेयर्ड हो रही है, कोई टॉयलेट है, कोई गैरेज है, कोई छत है, तो ये लिखा जाना चाहिए कि ये शेयर्ड हो रही है और इसमें दोनों का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। अगर कई यूनिट बने हुए हैं तो ये स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ताकि बाद में इसको लेकर कोई विवाद ना बने। उसके बाद हमें लिखना होता है कि किराएदारी कब से शुरू हो रही है। लिखित किराएदारी है, इस डेट से शुरू होकर इस डेट तक जाएगी और वो रिन्यू होगी कि नहीं होगी। रिन्यू अगर उसको करना है तो किन टर्म्स में करना है, कोई ऑटोमेटिक रेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, रेंट किस तारीख को दिया जाएगा ये भी लिखा जाना होता है। रेंट ना देने पर क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे ये भी लिखा जाना चाहिए। कितना उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा डिफॉल्टेड रेंट पे ये भी लिखा जाना चाहिए। अगर वो लगातार 2 महीने 3 महीने रेंट नहीं देता है तो क्या होगा उसका परिणाम, ये भी लिखा जाना चाहिए। और ज़्यादातर ये देखा गया है, ये लिखा जाता है कि फिर उसके बाद किराएदार को मकान खाली करना पड़ेगा, तो इसके संबंध में क्या क्या कार्रवाई होगी वो सब लिखा जाना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप क्या फिट आउट दे रहे हैं, क्या वो फुली फर्निश्ड है, तो उसमें क्या क्या फर्नीचर दे रहे हैं, सारे की इन्वेंटरी आपके पास होनी चाहिए, दोनों के साइन उस पर करा लेने चाहिए। और अगर वो सेमी फिनिश्ड है तो क्या क्या दे रहे हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। हो सके तो एक नक्शा बनवा लीजिए, नक्शे में सारी चीज़ें मार्क करवा दीजिए। अगर वो वार्म शेल है, अगर वो बेयर शेल है, तो किराएदार को क्या क्या कराना है और उसकी कीमत कैसे वो एडजस्ट करेगा, या क्या क्या किसका जिम्मेवारी है, और वो जब जाएगा तो उसको लेके जाएगा क्या करके जाएगा, अगर वो डैमेज करता है निकालने में तो उसके लिए क्या जिम्मेवारी होगी। इसीलिए कंसेप्ट बना हुआ है कि आप एक सिक्योरिटी अमाउंट रखते हैं। खासकर मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि ऑनलाइन जो किराएदार आपके पास आ रहे हैं उनकी गहरी छानबीन भी करें और साथ साथ उनसे सिक्योरिटी ज़्यादा रखें, क्योंकि उनका सामाजिक रूप से आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते तो वो कैसे क्या करेंगे आपको नहीं पता है। और हमारे पास बहुत केस आते हैं कि ऑनलाइन पहले उन्होंने 2 महीने 3 महीने का एडवांस पहले जब दे दिया तो मकान मालिक को लगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, उसके बाद वो रहने लगे, 3 महीने 4 महीने 6 महीने रहते रहे, किराया नहीं दिया और फुली फर्निश्ड मकान था, लेकर सामान छोड़कर चले गए, लेकर चले गए। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने उसको अच्छे से वेरीफाई कर लिया है तो। और इसके साथ अगर कोई मेंटेनेंस चार्जेस हैं, अगर कोई बिजली पानी का बिल है वो कौन देगा, कब तक देगा, ना देने पे उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, पार्किंग को कौन बंद करेगा, कौन खोलेगा, वो सारी चीज़ें उसमें साफ साफ जितना साफ लिख सकते हैं सारा लिख लीजिए, लिखवा लीजिए किसी अच्छे कानूनी जानकार से, ये ड्राफ्ट आप करवा लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड किया, फॉर्मेट टाइप यूज़ किया, उसको भर दिया और समझ लिया कि सब अच्छा हो गया, क्योंकि कोर्ट में जाकर यही चीज़ें जटिलता लाती हैं। अब देखते हैं कि और क्या क्या इसमें सावधानी के रूप में होना चाहिए। तो मकान मालिक के हिसाब से उसमें किराएदार को कैसे खाली कराया जाएगा, अगर कोई नोटिस दिया जाना है तो किस पते पर जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ईमेल से जाएगा, व्हाट्सएप से जाएगा, बाय हैंड जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा, स्पीड पोस्ट से जाएगा, SMS से जाएगा, ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। कौन से पते पर जाएगा वहाँ लिखा होना चाहिए, और नोटिस सर्व होने के कितने दिन बाद वो खाली होगा, कैसे खाली होगा, सिक्योरिटी कब वापस की जाएगी, सामान वो अपना कब हटाएगा, अगर नहीं हटाएगा तो उसका क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, ये सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे से लिखा जाना चाहिए।
ये बेसिक बातें अगर आप लिख लेते हैं तो आपका किराएदारी नामा एक मोटा मोटी तौर पे बहुत अच्छा हो जाता है और ये रेजिडेंशियल प्रमिसेस के लिए एक सेफ रास्ता है। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत ही वेरी करती हैं कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, फ्लैट है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा दे रहे हैं, सोसाइटी का फ्लैट है, इंडिपेंडेंट फ्लैट है, बंगलो है, कोठी है, फार्म हाउस है, सेमी बिल्ट अप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से आप नेगोशिएट करते हैं और उसको लिखते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने इंटरेस्ट, मकान मालिक को अपने इंटरेस्ट की बातें सारी समझकर लिखकर रखनी होगी, क्योंकि आप ये गौर कीजिएगा किसी तरह का कोई विवाद होता है तो आपका मकान कानूनी विवाद में फंसता है, किराएदार का कहीं कुछ भी स्टेक पे नहीं होता। इसलिए ऐसे विवादों को बचाने के लिए किराएदारी नामा एकदम साफ साफ शब्दों में लिखी होनी चाहिए। अगर किराएदार कोई आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी बन रही है, तो सबसे पहले आप वेरीफाई करेंगे कि जिसने साइन किया वो कौन है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसका आधार कार्ड, उसका आई कार्ड, उसकी अथॉरिटी लेटर, वो किसने ऑथराइज किया, वो सारे चीज़ आपके किराएदारी नामा के साथ अटैच होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर उसको ऑथराइज किया गया है तो बोर्ड रेजोल्यूशन उसके फेवर में है कि नहीं है, उसकी फोटो उस पर लगी है कि नहीं है, फॉर्म 16 ऑनलाइन अपडेटेड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं और वेरीफाई कर लेना भी चाहिए ताकि आपका कोई भी आगे जाकर विवाद ना पैदा हो जाए। और एक कंसेप्ट है कि हम कितना लें सिक्योरिटी अमाउंट। जनरली ये एक महीने का अमाउंट होता है, कहीं कहीं 2 महीने का होता है, और इसमें स्पष्ट कर लेना होगा कि पहले किराया देकर 1 महीने रहेंगे या पहले 1 महीने रहेंगे तब किराया देंगे, वो कब से गिना जाएगा, ये सारी चीज़ एकदम स्पष्ट उसमें लिखा भी होना चाहिए और उसका अनुपालन भी होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि इसको रजिस्टर किराएदारी नामा को, रेंट डीड को कराएं या ना कराएं। इसको लेके कानून बहुत स्पष्ट है, अगर आपका किराएदारी नामा 11 महीने का है तो आपको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 11 महीने से ज़्यादा का है तो कानून के अंतर्गत इसको रजिस्टर कराना जरूरी है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी रजिस्टर नहीं कराते हैं, मान लीजिए 11 महीने से ज़्यादा का है और आपने रजिस्टर नहीं कराया है, तो ऐसा नहीं है कि वो किराएदारी नामा इनवैलिडेट हो गया, वो किराएदारी नामा रहेगा, लेकिन उसको सरकार के सामने लाने पर या किसी कानूनी प्रक्रिया में लाने पर उसको इम्पाउंड करने की पावर कलेक्टर ऑफ स्टैम्प को होती है। वो चूंकि आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी है सरकार को, रजिस्ट्री की फीस नहीं दी है, इसलिए उसको वो इम्पाउंड करके किसी कोर्ट में अगर वो किराएदारी नामा प्रोड्यूस होता है तो उसको इम्पाउंड कर सकती है कोर्ट और स्टैम्प कलेक्टर को दे सकती है। स्टैम्प कलेक्टर उस पर आप जितने स्टैम्प बनता है उससे 10 गुना 5 गुना हर जगह अलग अलग होता है एक फीस, एक पेनल्टी आप पर लगा सकता है। तो ये है इसको लेके स्पष्ट कानून। और किराएदारी नामा जनरली स्टैम्प अगर रजिस्टर होना है तो उसके किराया कितना है उसका एक एवरेज फिगर निकाला जाता है, 3 साल कितने पीरियड के लिए आप दे रहे हैं, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, उसका एक एवरेज रेंट निकाला जाता है, उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अगर 11 महीने का किराएदारी नामा है तो वो पहले 100 रुपये के पेपर पे बनता था, अभी नोटिफिकेशन आ गया कि वो 300 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनता है, और बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे सिटीज़ में वो अलग अलग रेट है, 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक के स्टैम्प पेपर पे ये किराएदारी नामा बनता है, जो कि आप लोकली पता कर लें, इस पे दोनों के हस्ताक्षर कराएं, हो सके तो अंगूठा लगाएं, अगर महिला है तो सीधे हाथ का लगेगा, अगर पुरुष है तो उल्टे हाथ का अंगूठा लगेगा, फोटोग्राफ साथ में चिपका होगा, उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वो सब किराएदारी नामा में वो सारा सेट एक बन के तैयार हो जाता है, उसको रखें, हो सके तो जब रजिस्टर ना करा रहे हों तो उसको नोटराइज करा लें और रजिस्टर में साइन करवा दें कि दोनों ने यहाँ इस डेट को आकर ये साइन कराया। इसको लेके और क्लैरिफिकेशन है कि किराएदारी नामा मान लीजिए कि किसी महीने की 1 तारीख से शुरू हो गया और आप 10 दिन बाद जाकर उसको एग्रीमेंट को रजिस्टर कराते हैं या एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ये साफ साफ लिखा जाना चाहिए कि इस डेट से तो किराएदारी शुरू हो गई है लेकिन हम आज रजिस्टर करा रहे हैं इस तारीख को, और वैसे भी स्टैम्प पेपर जो होता है उसके ऊपर डेट होती है तो वो प्रिज्यूम हो जाएगा, इसलिए पीछे की डेट ना लिखें कभी भी,
वो गलत हो जाता है, और जब भी ऐसा कोई कानूनी पचड़े में पड़ता है तो ये चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाती हैं। इसलिए ये छोटी छोटी सावधानियां आप लेकर रखें, और इससे आपका किराएदारी नामा आपकी प्रॉपर्टी को बचा कर रखेगा, सेफ रखेगा, और किसी तरह का कोई विवाद होता है तो वहाँ वो काम आएगा। इससे संबंधित और भी कोई चीज़ें हैं तो आप कमेंट्स में लिख के भेजते रहते हैं और हमारी टीम के लोग उसको पढ़ते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करके जो अकॉर्डिंगली जवाब होता है वो हम देते हैं। तो आप इससे संबंधित जो भी सवाल हो वो हमसे कमेंट्स सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हमारी टीम द्वारा उसको जवाब दिया जाए।